अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिरार और आज बारिश बहुत हो रही है। सो एक मेरे दोस्त ने गुड न्यूज़ दी है कि उसने होंडा सिटी ली है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में ली है। भाई ने पहले कल्टस रखी हुई थी ना, कौन सा मॉडल रखा था? 2008 मॉडल रखा था। तो अभी इन्होंने 2006 मॉडल की ये परचेज़ कर ली है सिटी, और ये रजिस्टर्ड इस्लामाबाद की है। हाँ जी, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और जो फेसलिफ्ट मॉडल जो लेटेस्ट आया है, सॉरी लेटेस्ट कह रहा हूँ मतलब ये जो छोटी लाइट के बाद जो बड़ी लाइट वाला आया था, ये वो मॉडल है। और कितने में पड़ी ये गाड़ी, डिमांड क्या थी? डिमांड 11:15 थी और मुझे पड़ी है 10:75 में। 11:15 डिमांड थी, 10:75 में ली है। सो अभी कहीं रुकते हैं चाय ढाबे पे, तो वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, मैं आपको गाड़ी सारी दिखाता हूँ। और मेरे लिहाज से यार ये बेहतरीन ऑप्शन है। एक वक्त था ये 8-9 में बिकती थी, अब जो डॉलर्स की प्राइस टैक्स वगैरह जो लग गए हैं उसकी वजह से इसका रेट काफ़ी हाई हो गया है। और रश देखें यार, रश देखो, इतना रश है इधर, बारिश की वजह से रश बना हुआ है। और अभी हम लोकेशन देख रहे हैं, सो बारिश को एंजॉय भी करेंगे। दोस्त मुझे गाड़ी दिखाने लाया था, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मेरे दोस्त ने गाड़ी ली है। और भाई की शादी भी होने वाली है, राइट? जी बिल्कुल। कितने दिनों बाद हो रही है? 5 दिन बाद शादी होने वाली है जी। सो गाड़ी में आपको सारी दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। रश देखो भाई जान, रश देखो यार, जरा हालात कैसे हो गए। ये सिर्फ बारिश, जब इस्लामाबाद होटल जाना है सामने, इस्लामाबाद बारिश होती ना यार, उधर ना चले वो ढाबे पे। ढाबा? अच्छा, तो ये गाड़ी चेक करें जी, ये मेरे दोस्त ने खरीदी है होंडा सिटी और 2006 मॉडल है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये लंबी लाइट वाली है, लेटेस्ट डिज़ाइन में आती है ये, जिस तरह आप देख सकते हैं। और कंडीशन में भी बहुत अच्छी है, अभी तो बारिश की वजह से गंदी हुई हुई है, नहीं तो कंडीशन काफ़ी साफ़ सुथरी इनको मिल गई है। तो जैसे कि अभी साइड से दिखा दूँ, कोई यार इसमें टचिंग वगैरह कोई है? टचिंग इसमें एक तो इस जगह पे है, इस वाले फेंडर पे है। अच्छा, और फ्रंट फेंडर पे भी है, मतलब कि इधर और फ्रंट फेंडर पे टचिंग है, ठीक है? साइड पे भी एक साइड थोड़ी सी टचिंग। अच्छा, उस साइड पे भी थोड़ी सी टचिंग है। तो ये आपने 10:75 में ली है? हाँ जी, 1075 में परचेज, 1075 में इन्होंने परचेज की है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज़ें क्या क्या आई हैं? LCD पैनल और रिवर्स कैमरा। इसमें रिवर्स कैमरा साथ उसने लगवाया था बंदे ने जिससे मैंने परचेज़ किए, और जो LCD पैनल था वो भी लगा के दिया उन्होंने। बाकी इसमें जो स्पीकर लगे हैं वो अल्टिस के लगे हैं, करोला के। अच्छा, करोला के स्पीकर लगे हुए हैं, बाकी सब कुछ इसका अपना ही है। अच्छा, इसके अंदर फॉग लैंप भी है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रंट से, जैसे देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। क्रोम ग्रिल है। इंटीरियर आप दिखाते हैं यार, इसमें ना अलॉय व्हील्स डाले ना बाद में, बहुत अच्छे लगेंगे। और कौन से वाले अलॉय व्हील्स? कोई भी, मतलब कि उससे ना फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि लाइट इसने मुझे लोकल में 15.5 दिए। हाँ, इसकी इतनी है, 15.5 देगी ये, मतलब कि लॉन्ग पे ये 17 तक भी जा सकती है अगर इंजन एक्टिव है, इंजन अच्छा है तो। अभी ये अंदर से कंडीशन देख लें इसकी, ये मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए, जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने लगें, आपको इस रेंज में गाड़ी लेनी हो तो आपको और कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं। ये जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी है। सो ये मुझे तो बहुत पसंद आई है, और ये मॉडल भी बहुत खूबसूरत है। और ये कितनी चल चुकी है, ये ज़रा मीटर दिखाना। 180 चल चुकी है, 180 चल चुकी है, ज़रा मीटर दिखाना, व्यूअर्स को सारा कुछ दिखाएँ, क्योंकि आइडिया हो जाता है कोई गाड़ी जब ख़रीदने लगें तो। ये जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी, 163 चल, 163 चल चुकी है, ठीक है। तो मेरे लिहाज से ये ठीक है इतनी। और ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल मिरर्स सेटिंग्स, और सॉरी रिट्रैक्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल है, और साथ में ये फॉग लैंप भी ऑप्शन। LCD या नॉर्मल सी लगी चाइनीज़, ठीक है। बकाया जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं ना, एक तो स्टेयरिंग व्हील देखा जाता है कि कितना यूज़ हुआ है, और दूसरा ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेरे लिहाज से ये क्या कहते हैं, बेहतरीन है कंडीशन में। और अभी इंजन वगैरह देखते हैं, इंजन की कंडीशन क्या है। सो अच्छा मैं करता हूँ, सो ये भी इसका हम इंजन देखते हैं, पानी। सो ये बोनेट के अंदर आप कंडीशन देख लें, मेरे लिहाज से साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखने वाला नहीं होता। मेन एक्सीडेंट तो नहीं है? नहीं, हाँ मेन एक्सीडेंट नहीं है, तो भाई बता रहे हैं, जो कि ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी ले ली है।
सो और आप इसके नट चेक करें, अभी तक नट पे कोई टूल नहीं लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। और आपने क्या क्या चेक किया था हमारे व्यूवर्स को बता दें अगर आप गाड़ी लेना चाहें। सबसे पहले इसकी सीलें चेक की थी सारी। अच्छा, सीलें इसके बोनेट की और पीछे डिग्गी की। ठीक है, बाकी आपको मैं ट्रंक भी दिखाता हूँ। हाँ, ट्रंक दिखाएं जी, ट्रंक। सो अभी आइडिया हो जाए कि गाड़ी जब ख़रीदने जाएँ तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ये सारी सील्स होती हैं इधर, इनको चेक करना ज़रूरी होता है। आप अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप नीचे से देखें तो यहाँ पे पता लग जाता है कि एक्सीडेंट है कि नहीं। ये चीज़ उठा के ज़रूर चेक किया करें जब भी गाड़ी परचेज़ करें। सो इससे आइडिया होता है। और हमारी चाय भी आ गई है, चाय दिखाओ भाई। और ये है क्वेटा होटल की बेहतरीन चाय। सो अभी हम चाय स्पेशल चाय, सो अभी हम चाय पियेंगे। खान साहब हाथ हिला दे, ये चीज़। तो चाय पी रहे हैं हम और इन्जॉय बहुत कर रहे हैं। और गाड़ी तो मैं आपको दिखा दी है। तो अगर आप गाड़ी इस तरह की देख रहे हैं, 11 और 11-10 की रेंज में आती है ना जी? 10-11 की रेंज। हाँ, 10-11 की रेंज में आपको इस तरह की गाड़ी मिल जाएगी। अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो आपने गाड़ी ख़रीदने के बाद कोई इस पर काम शाम करवाया? अभी तक इसमें सिर्फ पेट्रोल डलवाया, इसके अलावा कोई काम नहीं करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम भी नहीं गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में कोई काम नहीं? हाँ, अभी 1000 किलोमीटर के बाद सिर्फ इसका मोबाइल चेंज करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सस्पेंशन वगैरह कोई अलाइनमेंट वगैरह को सब कुछ एक्टिव है? सब ओके है, सब ओके। ठीक है। और जिस यूज़र से खरीदी है, लोकल था या कोई ऑफिस का बंदा था? उसका ऑफिशियल यूज़ था, वो असल में प्रोफेसर था। तो उनकी दिन की भी गाड़ी बहुत कम चलती थी, सिर्फ घर से ऑफिस, सॉरी घर से यूनिवर्सिटी। अच्छा, और फिर दोबारा घर। तो इसलिए गाड़ी उन्होंने भी काफ़ी संभाल के रखी हुई थी। नहीं, गाड़ी टाइम पे चेंज करते, आई थिंक गाड़ी इनको बहुत अच्छी मिल गई है। और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पूछ सकते हैं। और ये वीडियो से बनाने का मकसद ये है कि आप भी अगर कोई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। और मेरे लिहाज से ये जो जापानी आ रही हैं छोटी गाड़ियाँ, उनके लिहाज से तो बहुत अच्छी गाड़ी है। इसमें ट्रंक भी है, इसके अंदर पावर विंडोज़ हैं, इस तरह की बहुत सी ऑप्शन हैं सिवाय एयर बैग के। तो ये चीज़ें आपको नज़र में रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ऑप्शन देखें तो ये बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ये चीज़ें देख के आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। ABS नहीं है, इससे अगला मॉडल जो हमारे पास है वो 2010 मॉडल है, उसने ABS आई है। सो और डिज़ाइन भी चेंज है, तो वो लेकिन वो 13 से शुरू होती है और बहुत ऊपर जाती है। तो ये एक ऑप्शन है, तो बेहतर मैं आपको कहता हूँ ये गाड़ी आप परचेज़ कर लें, मेरे लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। छोटी वीडियो थी लेकिन मज़े की थी। तो हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय करें। अगर आप पहली बारिश, सर्दी की पहली बारिश है, अगर आपकी सिटी में हो रही है तो आप भी एंजॉय करें। हम तो चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।